नमस्कार, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आप सबकी एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा आता है और वो है कलर के ऊपर कि मैम आपने कौन सा कलर यूज किया है। इस तरीके से मुझसे अभी किसी ने पूछा है, जैसे एक अनिल शर्मा जी का कमेंट आया है, कलर कौन सा यूज करना है मैम। दूसरा कमेंट है मेरे पास में मोना मिश्रा जी का, आपने कौन सा कलर यूज किया है। साथ में है जैसे मैम बिच कलर यूज इन लिप्पन आर्ट। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपकी कलर को लेकर जितनी भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि किस कलर की क्या खासियत है और उनकी क्या कमियां है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी कंपनी का कलर खरीद सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ आप वही कलर लेंगे, क्योंकि मेरे को कोई कंपनी का स्पॉन्सर नहीं हूँ मैं। इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, बस मैं तो आपको सिर्फ कलर बता रही हूँ कि मैं कौन से यूज करती हूँ। तो आप इनमें से कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, अदर कंपनी में भी जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये कलर जो आपको बता रही हूँ आप इसी कंपनी का लेना है। आपके पास में अगर कोई भी अगर और इससे सस्ता भी कलर मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिगनर्स के लिए, क्योंकि अभी नई नई लिप्पन आर्ट बनाना सीखे हैं और उन्हें कलर करने में परेशानी हो रही है। साथ ही उनको नहीं मालूम कि कलर की कौन सी क्वांटिटी की हम बोतल खरीदें या हम कौन से कलर लें, तो ये अब मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बिगनर्स के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें चाहिए ये 6-pack कलर। इसके अंदर बेसिक कलर आते हैं जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो और ब्लैक। ये सारे कलर इसके अंदर बेसिक कलर जो होते हैं वो आते हैं। बिगनर्स के लिए ये कलर की क्वांटिटी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि उनको छोटी छोटी आर्ट पर बनाना सीखना होता है। उसके लिए अगर हम बड़े कलर के पैक खरीदेंगे तो वो कलर हमारे ड्राई भी हो जाते हैं, क्योंकि कलर जब हम यूज करते हैं तो उनको ये भी नहीं मालूम है कि कलर को यूज करना कैसे है। कई बार हम खुले छोड़ देते हैं, कई बार हम ज्यादा निकाल लेते हैं, तो इसलिए हमेशा ये छोटे सीसी से स्टार्ट करना है। काफी अच्छे कलर होते हैं ये, तो मैंने यूज भी किया है। जब मैंने एक बिगनर्स की लिप्पन आर्ट बनाई है उसके अंदर मैंने इन कलर को यूज किया है। जो ग्रीन और येलो कलर मैंने लिया था वो यही दोनों कलर, मुश्किल से ये 80 या 90 रुपीज में पूरा पैक आ जाता है। ये आते हैं फैब्रिकल के और ये काफी अच्छे कलर हैं, शाइनिंग भी अच्छी है इनकी। जब मैंने लगाया है, आपने देखा होगा बिजनेस वाली वीडियो में, मैंने यही कलर लगाया है, इसीलिए मैंने यूज किया है, क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं मैम कौन सा कलर यूज कर रही है, पर मैंने उसके अंदर यही कलर यूज किया है। तो ये 6-pack का कलर आप ले सकते हैं, बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़े बहुत कलर और ज्यादा हों, तो आप ये 10-pack का भी ले सकते हैं। इसके अंदर 10 कलर आते हैं, ये बेसिक कलर तो होते ही हैं, इसके अलावा 4 कलर और होते हैं। तो ये हमारा बिगनर्स के लिए कलर है। बिगनर्स अगर पहली बार लिप्पन आर्ट बना रहे हैं तो मैं यही बोलूंगी कि आप यही कलर लीजिए और इनसे आप अपनी आर्ट बनाना स्टार्ट करें। अब आप आर्ट बनाना सीख गए हैं और इन छोटे छोटे कलर से आप कलर करना भी सीख गए हैं। अब आपको बड़ी आर्ट बनानी है। अब बड़ी आर्ट बनाने के लिए आपको चाहिए कलर। तो अगर आप ये छोटे कलर खरीदेंगे तो आपको महंगे पड़ेंगे। तब आप क्या करेंगे, आप ये 100 ग्राम वाली बोतल लेंगे, यानी कि ये 100 ml की बोतल है और इसके अंदर बहुत कलर आते हैं। जो कलर आपको चाहिए वो इसके अंदर मिल जाएगा। ये हमें बोतल से सस्ता पड़ता है, क्योंकि बोतल के अंदर बहुत क्वांटिटी कम होती है और इसके अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये ले सकते हैं। कभी भी आप कलर इस तरीके से यूज नहीं करिए, जैसे कि मैंने ये कलर खोल लिया, अब हमने ब्रश लिया और इसमें डिप किया और लगाया। इससे क्या होगा, जब तक हम कलर लगा रहे हैं तब तक इसको हवा लग रही है और ये कलर हमारा ड्राई हो जाएगा। तो हमेशा कलर को पहले क्वांटिटी बाहर निकालिए, उसके बाद में अपने कैप बंद करिए और फिर अपना कलर यूज करिए। इस तरीके से हम अपने कलर को बचा पाएंगे। वैसे तो फ्रेंड्स ये वाले कलर का साइज जो है वो बहुत परफेक्ट, चाहे आप बड़ी बनाएं या फिर छोटी, दोनों में ही ये साइज जो है बहुत परफेक्ट है। लेकिन आप बहुत बड़ी आर्ट बना रहे हैं कि मान लो 2 फुट 3 फुट 4 फुट या फिर वॉल पर बना रहे हैं डायरेक्ट, और वहाँ आपको कलर यूज करना है और आपको मालूम है कि वहाँ कलर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगेगी, तब आप ये बड़ा वाला पैक खरीद सकते हैं। ये जब ही खरीदिए जब आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ मेरी कलर की क्वांटिटी इस क्वांटिटी से ज्यादा लगेगी, तब आप इसको खरीद सकते हैं। और वैसे एक बात और, अगर आप व्हाइट कलर ले रहे हैं तो आप ये ले लीजिए, क्योंकि मैं व्हाइट कलर की इतनी बड़ी बोतल लेके रख लेती हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर बहुत यूज होता है।
तो व्हाइट कलर की आप इतनी बड़ी बोतल लेके रख सकते हैं। अब आप लिप्पन आर्ट करना तो सीख गए, साथ ही आपने बेसिक कलर करना सीख लिया, उसके बाद में आपने ये कलर भी यूज कर लिए हैं, तो आपको कलर करना आ गया है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप थोड़े से कलर और अच्छे यूज करें, या फिर थोड़ा डिफरेंट लुक देना चाहते हैं अपनी आर्ट को, तब आप यूज कर सकते हैं ये आर्टिस्ट कलर। ये आर्टिस्ट कलर है, ज्यादा करके ये कैनवास पेंटिंग पे यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी इसके कलर इतने अच्छे होते हैं कि मन करता है कि थोड़ा सा तो यूज कर ही सकते हैं लिप्पन आर्ट में, अगर आप डिफरेंट बनाना चाहते हैं। मेरी बहुत सारी आर्ट है जिनके अंदर मैंने इनको यूज किया है, शायद तभी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि आप कलर कौन सा यूज करती हैं, क्योंकि इसकी लुकिंग और इसका जो जब हम इसको ब्रश में लेते हैं तो ये बहुत सारा एरिया कवर करते हैं एक बार। महंगे के साथ साथ फायदा भी है, क्योंकि ये अगर हम कलर लगा रहे हैं और काफी सारा हमारा एरिया कवर कर रहे हैं तो इतना महंगा नहीं लगता है। दूसरी बात, इसके अंदर एक खासियत और है, अगर आपने ये कलर लगाए हैं तो आपको क्लियर वार्निश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लियर वार्निश करना जरूरी होता है, लेकिन इस कलर के साथ में इतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी शाइनिंग होती है, इतने परफेक्ट होते हैं कि ये जब हम लगाते हैं ना तो इनकी लुकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप जब इसको और इसको दोनों को यूज करेंगे ना, तब आप इसके अंदर जो फर्क है वो पहचान पाएंगे। एक बात और, इसके अंदर बहुत कलर आते हैं, बहुत बहुत ज्यादा कलर के इसके अंदर शेड्स आते हैं। इसकी खासियत एक और है कि आपको एक ही रेंज में सारे कलर नहीं मिलेंगे, ये अपने कलर के ऊपर ही डिपेंड करता है इनका प्राइस। जरूरी नहीं है कि मैंने अगर ये कलर 110 का लिया है तो ये भी मुझे 110 का मिल जाए, ये अलग रेट का मिलेगा, ये अलग रेट का मिलेगा, दोनों के अंदर फर्क है। देखिए इसमें आप अभी देख सकते हैं फर्क, इस एक पर 105 डला हुआ है, दूसरे पर 115, सिर्फ 10 रुपीज का अंतर है, लेकिन फर्क आपको बहुत सारे कलर में मिलेगा। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा एलमेरा मैग्नेट्स का, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक कैप बनाई है, इसके अंदर मैंने यही रेड कलर यूज किया है। इसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग है। अभी मैंने एक रिसेंट चौक पेंट मंगाए हैं, जो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जो स्टेंसिल्स के साथ में, जिसके अंदर रेजन भी किया हुआ है, जो कि है ना ये रखी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने चौक पेंट यूज किए हैं, काफी टाइम से रखे हुए थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो मेरी बंद हो गई थी, फिर मैंने दोबारा से चैनल स्टार्ट किया है, तब मैंने ये यूज किए हैं। इसके अंदर मैंने ये कलर लगाया है, ये कलर लगते तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनका जो लुक होता है वो एक्चुअल में मड जैसा ही होता है, कोई शाइनिंग नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अपन घरों में गेरू यूज करते हैं, गेरू को जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर कोई शाइनिंग नहीं होती है, ये बिल्कुल उसी तरीके के दिखते हैं। ये कलर जब मैंने यूज किया था लिप्पन आर्ट में, तब मुझे लगा कि हाँ लिप्पन आर्ट के लिए ये कलर बहुत ज्यादा परफेक्ट है। अगर हम मड का लुक देना चाहते हैं, शाइनिंग नहीं देना चाहते हैं, जैसे कि ये पहले यूज होता था, पहले भी लिप्पन आर्ट की जाती थी तब व्हाइट और गेरू कलर से ही यूज होता था, उसी तरीके का ये कलर दिखता है। जब मैंने ये कलर यूज किया तो मुझे बहुत अच्छे लगे, काफी पसंद आए मुझे। इन कलर की खासियत क्या है, ये अभी मैं सारे कलर आपको यूज करके भी बताऊंगी कि कौन सा कलर किस तरीके का दिख रहा है और कैसा लगता है करने के बाद। ये लिटिल बॉडी के हैं, तो लिटिल बॉडी की चीज तो वैसे भी बहुत अच्छी आती है, आपने देखा होगा इसकी आजकल हम जो बॉर्निश यूज कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी आती है। हाँ ये कलर मैंने वही लिए थे, लेकिन मुझे व्हाइट कलर का थोड़ा सा बड़ा पैक लेना था तो मैंने ये वाला लिया। इन सब के साथ में आपको चाहिए कि मेरे को कलर थोड़ा सस्ता भी पड़ जाए, कलर अच्छा भी हो, क्वांटिटी भी ज्यादा हो, तो आप एक कलर और खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपके शहर आपके बगल में सब जगह अवेलेबल है, और वो होते हैं फ्रेंड्स इस तरह के कलर। ये कलर एक्रिलिक कलर ही होते हैं, आपने देखा होगा कि बॉल पे हम जो कलर करते हैं वो एक्रिलिक कलर होते हैं, तो ये है एशियन पेंट्स का रॉयल कलर। इसके अंदर भी बहुत क्वालिटी आती है, जैसे 250 का 1 kg भी आता है, 3 का भी आता है, 4 का भी आता है, तो ये आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और व्हाइट कलर खरीदने के साथ ही आपने देखा होगा ये इस तरह के जो है स्ट्रेनर आते हैं, और ये बहुत महंगे नहीं होते हैं, ये 30, 40, 50 के अंदर आपके पड़ जाते हैं। आप इस तरह के स्ट्रेनर की बोतल ले सकते हैं, साथ में बड़ा पैक एक व्हाइट का ले सकते हैं। कलर को यूज करने के बाद फ्रेंड्स बस एक ही बात है कि अगर आप ये कलर मिला रहे हैं तो आपको क्लियर वार्निश करना जरूरी है, क्योंकि ये कलर मिलाने के बाद में थोड़ा सा भी अगर पानी वानी कहीं लग जाता है, बाई चांस कभी हाथ लग जाता है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कलर जो है
निकले। तो अगर आपने क्लियर वार्निश कर दी इनके ऊपर तो ये कलर आपके वाटरप्रूफ हो जाएंगे, साथ ही उनके अंदर और ज्यादा शाइनिंग आ जाएगी और बहुत अच्छे लगेंगे। ये तो हमारे सारे कलर हो गए फ्रेंड्स जो कि हम लिप्पन आर्ट में यूज कर सकते हैं। अब एक कलर आते हैं, वो है पल कलर। इनके अंदर थोड़ी शाइनिंग होती है, बट ये हम जब लिप्पन आर्ट में कलर करते हैं तब यूज नहीं होते हैं। इसके अंदर एक गोल्डन कलर होता है जिसे हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो जब हम लाइनिंग होती है उसके ऊपर अगर हमें गोल्डन कलर लगाना है, जैसे कि मैंने इसमें लगाया है, तो वो यही कलर है, तब हमें ये कलर यूज होता है। साथ ही आपने मेरा अभी एक वीडियो देखा है, हाँ, ये जो मैग्नेट्स बनाई हैं उनके अंदर मैंने इन कलर को एक छोटी छोटी कॉन बना के फिल किया और उसके अंदर मैंने इस तरह से भर के नहीं आर्ट बनाई है। तो ये कलर आप अगर इस तरह से यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन लिप्पन आर्ट में आप चाहें कि बेस पर हम लगाएं तो वो मजा नहीं आता, क्योंकि वो मड आर्ट है। उसके अंदर सिर्फ कलर का लुकिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें मड की तरह दिखे, या फिर हमें शाइनिंग थोड़ी कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, और इसमें तो बहुत शाइनिंग होती है। तो इनको हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉन में भर के यूज किया है। ये बहुत अच्छा तरीका है, जब आप कॉन में भर के यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छे कलर लगते हैं ये। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि सारे कलर जो मैं खुद यूज करती हूँ मैंने आपको बता दिए कलर मार्केट्स में आते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत कलर आते हैं मार्केट में, जैसे पोस्टर कलर आते हैं और भी कई ब्रांड के कलर आते हैं, कैमल के भी आते हैं। मैंने फैब्रिकल के कलर बताए हैं, साथ में कैमल के आर्टिस्ट कलर बताए हैं, तो कैमल के भी ये कलर आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा करके यही कलर यूज करती हूँ। और वैसे भी लिप्पन आर्ट में ज़्यादा करके यही कलर यूज होते हैं। इसके अलावा और कोई जैसे पोस्टर कलर है तो पोस्टर कलर इतना अच्छा नहीं लगता करने में, साथ ही जो पर्ल कलर है तो ये भी हम उतने ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें शाइनिंग होती है तो मज़ा नहीं आता इनको करने में। ये तो हो गए हमारे सारे मार्केट्स के कलर जिन्हें हम मार्केट से खरीदते हैं और यूज करते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे कलर हैं जो कि मिल जाते हैं, जिन्हें हम यूज करके नहीं, सिर्फ ब्रश चलाना सीखना है या छोटी आर्ट बनाना सीखना है या हमें चीप रेट पर बस बनाना है, सीखना है और कुछ नहीं, तो आप घर में भी बहुत सारे कलर होते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में नील जो कि ब्लू कलर है, और उसे आप अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप आर्ट पर कर सकते हैं। नील के अलावा हल्दी कलर है तो हल्दी भी यूज कर सकते हैं आप उसकी जगह। और हाँ, जैसे गेरू, गेरू एक रेड कलर होता है और बहुत ही प्यारा कलर होता है, क्योंकि गेरू कलर का तो जो कलर होता है वो तो हम कई बार कलर में भी ढूंढते हैं कि हमें गेरू कलर मिल जाए जिससे कि हमारा एक्चुअल कलर आएगा। तो गेरू कलर तो आप आराम से यूज कर सकते हैं और आप ऑर्डिनरी आर्ट, बड़ी आर्ट में भी उस कलर को लगा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप क्लियर वार्निश कर देंगे तो बहुत ही अच्छा उसके अंदर लुक आ जाएगा। खड़िया यूज कर सकते हैं व्हाइट कलर के लिए, जो कि बहुत ही चीप रेट पर और काफी क्वांटिटी में हमें मिल जाती है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा कलर करके भी देख लेते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि यहाँ व्हाइट में, कई बार आपने देखा होगा कि मैं व्हाइट के ऊपर ही जनरली कलर करती हूँ क्योंकि उसकी लुकिंग अलग आती है। तो एक कलर इन सब ब्रांड में ऐसा भी है कि अगर आप व्हाइट कलर नहीं करेंगे और उसको डायरेक्ट करेंगे तो भी वो बहुत ही अच्छा आता है और साथ में बहुत सस्ता भी है। हल्का सा पानी मिलाया है दोस्तों, क्योंकि हमें थोड़ा लिक्विड ही करना है। तो सबसे पहले ये अब इसके ऊपर हम करेंगे ये कलर। ये हमने किया है व्हाइट कलर करने के बाद रेड कलर। अगर मैं डायरेक्ट इसको करती, जब मैंने ये व्हाइट के ऊपर रेड किया तो कि इसकी शाइनिंग देखिए, और जब मैंने डायरेक्ट किया तो इसकी शाइनिंग देखिए। तो चलिए अब फिर से हम ये वाला कलर कर लेते हैं, तो तभी आपको फर्क पता पड़ेगा कि। तो व्हाइट कलर तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आर्टिस्ट कलर ही आपको व्हाइट लेना है, और उसके बाद में हम ये वाला कलर लेंगे। इसमें भी कलर ब्रांड जैसे रेड कलर है, रेड कलर थोड़ा डार्क कलर होता है, जैसे जैसे लाइट कलर लेते जाएंगे ना तो लाइट कलर थोड़ा सा हमको डबल भी करना पड़ सकता है क्योंकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है लाइट कलर के अंदर। अच्छा, इसमें एक और है कि आप जब ब्रश चलाएं तो पूरा एक बार चला कर ले गए, फिर दूसरी बार चला कर ले गए, फिर ऐसे तीसरी बार ऐसे चलाया। अगर आप बीच में से ब्रश को चलाते हैं जैसे ऐसे, तो आप देखेंगे कि इस तरह का निशान आ जाएगा। जब भी आप चलाएंगे ऐसे बीच में से, तो आपको बीच में से निशान अलग दिखेगा। तो कोशिश करिए कि आप एक बार में अपने कलर को ले जाएं, कहीं से एक डार्क हो रहा है करने में, कहीं से मैं वही उसी तरीके से ब्रश चला रही हूँ लेकिन फिर भी वो इस तरीके का निशान आ रहा है। अब है इसके बाद में है चॉक पेंट। ओ, ये तो मैंने अभी यूज ही नहीं किया है।
चलिए इसको खोल लेते हैं पहले। तो डायरेक्ट करने के बाद में फ्रेंड्स ये भी काफ़ी ट्रांसपेरेंटी में कलर है, और ये देखिए आप इसके अंदर भी हमें MDF जो है डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कलर को भी डायरेक्ट करते हैं तो हमें कलर बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ये मेरा दो बार करने के बाद भी मुझे वो शाइनिंग नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी का वाइट कलर कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका वाइट कलर बहुत पतला सा ही है। ओहो, फर्क देखिए आप, वही कलर है जो मैंने आपके साथ में अभी नया खोला था और जो मैंने अभी यहाँ किया है। आप देख रहे हैं फर्क तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसीलिए मैंने इसको पहले बिना वाइट के ही करके देखा कैसा लग रहा है। तो ये है वाइट कलर एशियन पेंट्स का, मैं काफ़ी सारा यूज़ कर चुकी हूँ, जब भी मैं वाइट कलर करती हूँ यही करती हूँ। तो ये मेरा ये पर्पल कलर है, इसे ही मैं मिला रही हूँ उसके अंदर, पर इसे भी हम सेक कर लेते हैं। इसकी क्वांटिटी हम कैसे करेंगे, देखो जैसे हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना होता है, कलर जो होता है ना हमें पहले सबसे पहले थोड़ा सा मिलाना है, क्योंकि हमें कितना लाइट लेना है कितना डार्क लेना है ये हमें मिलाने के बाद पता पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कलर लिया है, मेरे ब्रश में ज़्यादा आ गया है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स बाकी का मैं साइड से ऐसे कर देती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। चलिए अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और ये देखिए ये मेरा पर्पल कलर तैयार हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने डायरेक्ट किया है, पर आप एक फ़र्क देख रहे होंगे कि इसके अंदर वो ब्लैकमन नहीं आ रहा जो और कलर के अंदर आ रहा था। आपको जो ब्लैकमन इसके अंदर और इसके अंदर दिख रहा है वो इसके अंदर नहीं दिख रहा होगा। तो ये कलर आप डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट वाइट किए हुए। ये देखिए, ये हमने जो फर्स्ट बार रेड किया था, जो बिगनर्स वाले कलर थे, छोटी छोटी स्मॉल बोतल में से किया था, उसके अंदर मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा शाइनिंग है। उसके बाद में आर्टिस्ट कलर जो हमने किए हैं वो अलग लुकिंग है, और उसके बाद में हमने किया है चौक पेंट के अंदर कोई शाइनिंग नहीं है, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है। और एक बात और, चौक पेंट के बगल से हमने जो कलर किया है एशियन पेंट्स वाला, तो मुझे लग रहा है चौक और एशियन पेंट्स दोनों मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं, फिनिशिंग बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। और अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो में मुझे एक कमेंट आया है, ये मुझे आया है रूपिका क्रिएटिव बल्ड के अंदर पूछा है इन्होंने कि सिरेमिक पाउडर के अलावा और कौन सा पाउडर यूज कर सकते हैं। आप सिरेमिक पाउडर के अलावा चौक पाउडर यूज कर सकते हैं, टेलकम पाउडर भी यूज कर सकते हैं, आप यूज सारे हो सकते हैं, लेकिन सबकी लुकिंग अपनी अलग होती है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी अच्छी लगी। और एक मुझे कमेंट आया है, ये है लब्दीसा, तो लब्दीसा जी पूछ रही है कि मोजाइक में फेविकॉल ना डालें तो भी चलता है क्या। नहीं, अगर आप फेविकॉल नहीं डालेंगे तो वो एक पाउडर होगा, पाउडर में आपने पानी मिलाया, पर पानी मिलाने के बाद क्या होगा, जब आप पेस्ट करेंगे तो वो कहीं से भी क्रैक हो सकता है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो थोड़े से ट्राई करके देख सकते हो, और अगर आपका अच्छा बना है तो मुझे भी बताइएगा, तो मैं भी बना लूंगी आगे से। एक कमेंट मुझे किया है रीना शर्मा जी ने, फेस भी दिखा दीजिए करो मैम, बहुत बढ़िया, लीजिए आ गए फेस के साथ, कैसा लगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसे पसंद है, फेस के साथ या विदाउट फेस के साथ। एक कमेंट है मुझे कि आपकी वीडियो को देख करके, नहीं जो मैंने थिक कॉन बनाई थी उससे मेरी कॉन तो फ्लैट नहीं हुई, पर उसके बाद में जो जॉइंट है वो करने में मुझे परेशानी आ रही है। कॉन वाली वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगी, तो उसके अंदर मैं आपको सारा बताऊंगी। काफ़ी लोगों ने वेरी नाइस बोला है, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क बोला है, तो थैंक यू। बस देखते रहिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ, बाय बाय।